मेरा सवाल यह है जी कि पराग पारिक की एक ऐसा ही फंड म्यूचुअल फंड है क्या कि जिसमें बाहर के कंपनीज का एक्सपोजर है, क्योंकि वही एक फंड सुनाई देता है जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो सुनते हैं तो वही एक और ऐसा अलाउड है क्या एक्चुअली, और एक ही फंड क्यों है फिर अगर ऐसा अलाउड है तो, और हमें करना चाहिए क्या उसमें, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो सब बहुत ज्यादा दिखता है, 1.5% डायरेक्ट में दिखता है, और हमको एक्सपेंस रेशियो ध्यान में लेना चाहिए क्या हमेशा, अगर अच्छी भी स्कीम रहेगी कितनी भी अट्रैक्टिव रहेगी तो, ये मेरा सवाल है। यस सर जी हाँ, पराग पारेख का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो 35% तक अपना पैसा बाहर लगा सकता है और 20-25% तक हमेशा लगा रहा है, और 2-3 और ऐसे फंड हैं जो कि भारतीय फंड हैं जो जिनमें कि इस तरह का प्रावधान है, वो पैसा लगाते हैं बाहर, लेकिन ये फंड ज्यादा कंसिस्टेंटली बाहर अपना पैसा लगाता रहा है। ये लीगल है और ये संभव है और ये बिल्कुल जो सभी के जो गाइडलाइंस है उसके तहत है, और इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी इक्विटी फंड की तरह होता है, क्योंकि इक्विटी फंड के लिए जो टैक्स प्रावधान है वो ये कहता है कि 65% पैसा अगर भारतीय इक्विटी शेयर्स में लगा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही किया जाता है। 1.5% एक्सपेंस रेशियो मुझे लगता है कि ये सस्ता नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है, खासकर जिस तरह का, और पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने ये कहा है कि जैसे जैसे ये फंड बड़ा होता जाएगा वो अपना खर्चा कम करते जाएंगे, उनका एक एक्सपेंस चार्ज करने का एक पॉलिसी उन्होंने पहले अनाउंस किया था, हालांकि अब उसमें उसको दोबारा उन्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस किया था वो तब किया था जब सभी का एक्सपेंस का पॉलिसी जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है वो नहीं आया था, तो उसका इंतजार कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपेंस रेशियो मैटर करता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में आप हमेशा इंतजार मत करते रहिए, डेट फंड्स में ज्यादा मैटर करता है क्योंकि वहां पे आपका जो अधिकतम रिटर्न है वो बढ़ नहीं सकता है, लेकिन इक्विटी फंड्स में ये बढ़ सकता है, काफी रफ्तार से बढ़ सकता है। एक्सपेंस रेशियो हमेशा ही मैटर करता है क्योंकि ये जो एक्सपेंस रेशियो है जो फंड में रिटर्न होगा उससे खर्चा काट के ही बचा हुआ रिटर्न आपको मिलता है, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा या 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा की वजह से अपने डिसीजन को मत रोकिए, निवेश करना जरूरी है, अगर 25 बेसिस पॉइंट कम भी मिला तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1-2 साल इसके लिए इंतजार करते रह जाते हैं वो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा।